यूं तो हेमा मालिनी का नाम कई एक्टर के संग जुड़ा, लेकिन हेमा मालिनी के दिल में शुरू से ही धर्मेंद्र जी ही थे। धर्मेंद्र और हेमा की प्रेम कहानी के पर्चे हर तरफ छपे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी को ऐसा वक्त था कि हेमा मालिनी धर्मेंद्र जी को छोड़कर सेट पर किसी और एक्टर के संग बातें किया करती थी, शूटिंग भी नहीं करती थी, सिर्फ बातें करती थी। ऐसा खुद हेमा मालिनी ने 10 कदम के सेट पर खुलासा किया। हेमा मालिनी की मुलाकात सेट पर शत्रुघ्न सिन्हा से हुई, तो उन्होंने पुराने दिन याद किए। हेमा ने बताया कि वो पूरे दिन में कई शिफ्ट में काम किया करते थे, लेकिन जब उन्हें पता चलता था कि उनके को स्टार शत्रुघ्न सिन्हा है तो वो टेंशन फ्री हो जाती थी, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा मौज मस्ती करते थे। कब पूरी फिल्म की शूटिंग हो जाती थी किसी को पता भी नहीं चलता था। वो सपोर्टिव थे और एक्ट्रेस का साथ भी दिया करते थे। हेमा मालिनी को उनके संग काम करने में बहुत मजा आता था और कम वक्त में पूरी शूटिंग हो जाती थी। मिनटों में डायलॉग और एक्टिंग हो जाती थी, फिर ये घंटों सेट पर बातें किया करते थे, हंसी मजाक किया करते थे। हेमा मालिनी ने कुछ साल पहले खुलासा किया था कि उनकी जिंदगी में बागवान फिल्म का बहुत बड़ा महत्व है। बागवान फिल्म में हेमा मालिनी ने अमिताभ बच्चन के संग बेहतरीन माँ का रोल अदा किया था। पर इस फिल्म में बच्चे कैसे अपनी आराम की वजह से अपने माँ बाप का बंटवारा करते हैं, उसमें माँ बाप का रोल अदा कर रहे हेमा मालिनी और अमिताभ एक दूसरे से मिलने के लिए, उन्हें देखने के लिए कैसे तड़पते हैं, वो सब दिखाया गया। कहीं ना कहीं अमिताभ हेमा के इस रोल ने बहुत से कपल्स को एक प्रेरणा दी। धर्मेंद्र और हेमा के बीच भी कई बार मनमुटाव आया होगा, लेकिन हेमा मालिनी को इस फिल्म से एहसास हुआ कि धर्मेंद्र उन्हें कितना प्यार करते हैं। हेमा ने खुद बताया कि फिल्म के बारे में लोगों ने तारीफ की और कहा कि उन्होंने आज के समाज के लिए उस फिल्म के जरिए बहुत बड़ा मैसेज दिया। कपल से एक दूसरे को प्यार करने लगे, रिस्पेक्ट करने लगे और बच्चों को भी अपने माता पिता को एक दूसरे से दूर न करके एक पास रखने का मतलब समझ में आया होगा। फिल्म शोले, सीता और गीता, बागबान, नसीब, ड्रीम गर्ल जैसी 200 फिल्मों में काम करने वाली हेमा मालिनी ने अपने अभिनय से देश में एक अलग ही पहचान बनाई, जिसे ड्रीम गर्ल के नाम से भी जानते हैं। आज भी लोग 75 साल की हेमा मालिनी की इज्जत करते हैं, लेकिन कभी कोई ऐसा वक्त था कि हेमा मालिनी को काम नहीं मिलता था। हेमा मालिनी डांस करते करते फिल्मों में गई और पहली बार उन्हें तमिल फिल्म में काम करने का मौका मिला था। करियर की शुरुआती और शुरुआत में हेमा को नाकामयाबी मिली। शूटिंग के करीब 4-5 सीन भी शूट हो चुके थे, बाद में डायरेक्टर ने फिल्म से बाहर निकाल दिया। हेमा मालिनी डिप्रेशन में चली गई और सोचने लगी क्या वो अच्छी नहीं दिखती हैं। लेकिन आज हेमा मालिनी कहती हैं जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। उस रिजेक्शन से उन्हें बहुत हिम्मत मिली और उन्होंने ठान लिया कि उन्हें कुछ करके ही दिखाना है। उस हिम्मत को बनाए रखा और हेमा मालिनी ने अपने ड्रीम को पूरा करते हुए ड्रीम गर्ल बन गई। आज भी हेमा मालिनी को अपना वो रिजेक्शन याद है। वो कहती हैं कि परेशानियों का सामना करना चाहिए, ना कि उनसे हार कर बैठना चाहिए। हेमा मालिनी के दिल पर कई बार चोट लग चुकी है। हेमा मालिनी पत्नी होने के रिश्ते से अपने पति के संग घूमने का मन बनाती हैं, लेकिन अफसोस कि कई बार उन्हें उदास होकर रोते हुए वापस आना पड़ता है, क्योंकि धर्मेंद्र जी तो किसी और के संग ही होते हैं और किसी और के संग जब होते हैं तो हेमा मालिनी उस टीम में शामिल होना कुछ ठीक नहीं समझती है। आपने भी देखा होगा धर्मेंद्र सनी बॉबी प्रकाश की फैमिली के संग कई बार मनाली जा चुके, तो कभी हिल्स स्टेशन जाते रहते हैं, लेकिन हेमा मालिनी बहुत कम धर्मेंद्र के संग बाहर घूमने जाती हैं, क्योंकि धर्मेंद्र ने कई बार प्लान किया कि वो दोनों परिवारों को बाहर घूमने के बहाने लेकर जाएं और इस बहाने दोनों एक हो सकें। धर्मेंद्र ने तो पूरी कोशिश की, लेकिन हेमा मालिनी का कहना है कि उनकी कोशिश पूरे परिवार को चोट दे सकती है, प्रकाश सनी बॉबी को चोट दे सकती है। ऐसे में हेमा मालिनी कई बार तैयार होकर वापस घर आ चुकी हैं, क्योंकि वो धर्मेंद्र और उनके बच्चों के संग शामिल होना ही नहीं चाहती, उनका मूड खराब करना नहीं चाहती हैं। आज हेमा मालिनी फिर से सुर्खियों में आ गई। इसकी वजह करण देओल के कुछ फोटोज हैं। दरअसल आज करण देओल की शादी का पूरा एक महीना हो गया। इस मौके पर करण देओल ने कल से ही कुछ फोटो शेयर करने शुरू कर दिए हैं। कल करण देओल ने अपने संगीत सेरेमनी के फोटो शेयर किए और अपनी फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी मनानी शुरू कर दिया है। फोटो देखते ही फिर से हेमा मालिनी सवालों के घेरे में खड़ी हो गई। फोटो देखते ही लोगों का पहला सवाल यही था कि काश इस दिन पर हेमा मालिनी भी शामिल हो पाती। अब होती कैसे, उनके खुद के बेटे सनी बॉबी ने उन्हें बुलावा दिया होता, तब सनी बॉबी ने हेमा मालिनी को अपने घर की पहली शादी से ही दूर रखा, उनकी शादी में कोई एंट्री नहीं करवाई। इसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी बवाल भी हुआ था और जब ये बात धर्मेंद्र के कानों तक पहुंची तो धर्मेंद्र ने हेमा और बेटी से माफी भी मांगी। एक महीने बाद फिर से हेमा को टारगेट किया जा रहा है और फिर से हेमा की बेइज्जती की जा रही है, लेकिन हेमा का कहना है कि मुझे मतलब नहीं कि कौन कहां और क्या कर रहा है।
आज देओल परिवार में फिर से एक छोटी सी पार्टी रखी गई है। परिवार में खुशी है तो इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए हर रोज कोई ना कोई डे मनाया जा सकता है। और आज देओल परिवार अपने लाडले बेटे बहू की फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी के अवसर पर जश्न मना रहे हैं, जिसमें खास लोग ही दिखेंगे। अब ये खास लोग हेमा मालिनी भी हो सकती हैं, क्योंकि आज किसी खास वजह से हेमा मालिनी इस पार्टी में पहुंच सकती हैं, या यूं कहें कि मजबूरी उन्हें बुला सकती है। वजह धर्मेंद्र और अपने परिवार को हजारों सवालों से बचाने के लिए भी हो सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब से करण की शादी हुई है, तब से धर्मेंद्र के दोनों परिवारों में बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं। कभी हेमा मालिनी से तो कभी प्रकाश कौर और सनी बॉबी से पूछा जाता है। एक ही सवाल पूछा जाता है कि हेमा मालिनी इस पार्टी में शामिल क्यों नहीं हुई। फिर से कुछ ऐसा ना हो, इसलिए हो सकता है कि हेमा मालिनी इस पार्टी में पहुँच कर सबका मुंह बंद कर दे। सवाल ये भी है कि जब हेमा मालिनी को जाना ही होता तो वो लोगों के सवालों से बचने के लिए पहले ही शादी में चली जाती। उन्हें जाना ही नहीं था, इसलिए वो तब से घर में बंद है और आज भी शायद कुछ ऐसा हो। आज देओल परिवार में फिर से पार्टी रखी गई और ये पार्टी देओल परिवार के लाडले बेटे बहू की फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी के लिए है। आज फिर पूरा परिवार, खास दोस्त, देओल परिवार में महफिल जमाने इकट्ठा होंगे और आज फिर प्रकाश कौर के सामने हेमा मालिनी का जिक्र भी किया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे पिछले महीने किया गया था। मीडिया ने धर्मेंद्र से पहले ही पूछा था कि हेमा क्यों नहीं आई और आज फिर पूछ सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो धर्मेंद्र का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाएगा, क्योंकि धर्मेंद्र हेमा, प्रकाश कौर, सनी बॉबी अपने परिवार की बातों को प्राइवेट रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि परिवार में किसी को तकलीफ हो, लेकिन जब जानबूझकर उनके परिवार में दखल अंदाजी की गई तो धर्मेंद्र या हेमा अपनी भड़ास निकाल सकती हैं। हेमा मालिनी काफी वक्त से चुप हैं, लेकिन अब वो चुप नहीं बैठेंगी। अगर पानी सिर से ऊपर हो गया तो हेमा मालिनी बाट लगाने वाली हैं। धर्मेंद्र जब पहली बार आईफा अवार्ड लेने मंच पर पहुंचे तो अपने दिल के अंदर दबी बातों को बोल दिए। कई सालों बाद धर्मेंद्र अवार्ड लेने पहुंचे तो उनकी आंखों में आंसू देकर हर कोई रो आया। धर्मेंद्र बूढ़े जरूर हो गए, लेकिन आज भी उनके लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं। फैंस उनके हर एक शब्द को सुनने के लिए बेताब रहते, आज भी उनकी एक झलक देखने के लिए बेताब रहते हैं। इस मंच पर कुछ ऐसा ही हुआ जब धर्मेंद्र ने कहा कि एक लंबे अरसे के बाद, करीब 8 सालों बाद, कैमरे ने मुझसे रुख मोड़ लिया था, लेकिन मैं जानता हूं कि आप लोगों ने मुझसे रुख नहीं मोड़ा था। धर्मेंद्र जी ने बुढ़ापे में भी कई फिल्मों में अपने बेटों के संग स्क्रीन शेयर किया है। इतना ही नहीं, धर्मेंद्र ने कहा था कि जब तक मैं सनी की हीरोइन के संग कोई फिल्म नहीं बना लेता तब तक मैं फिल्म इंडस्ट्री नहीं छोड़ूंगा। और धर्मेंद्र ने सनी की हीरोइन के संग किसिंग सीन भी किया था। अवार्ड के बाद धर्मेंद्र ने कई बातें शेयर की। सनी बॉबी ने कहा कि आज मैं सिर्फ अपने पिता की बदौलत हूँ। दोनों फूट फूट कर रोते दिखाई दिए। मंच पर एक भी शब्द उनके मुँह से नहीं निकल रहा था। वीडियो देखकर हेमा मालिनी को भी रोना आ गया होगा। जब हेमा मालिनी को पता चला कि आज धर्मेंद्र जी को आईफा अवार्ड मिलने वाला है तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। आंसू खुशी के थे, लेकिन बहुत कुछ बया कर रहे थे और इन आंसू के आगे हेमा मालिनी भूल गईं कि उनके संग उनके सौतेले बेटे सनी बॉबी भी हैं, जिनसे वो 45 सालों से मीलों दूर हैं। हालांकि घर तो बहुत पास है, लेकिन दिल इतने दूर हैं कि छाया भी एक दूसरे की नहीं पड़ती है। धर्म जी को अवार्ड लेते देख हेमा मालिनी अपने सौतेले बेटों के सामने उस शो में बैठी जाकर उन्होंने सनी बॉबी के लिए तालियां भी बजाई, सीटियां भी बजाई। 2 साल पहले धर्मेंद्र और सनी बॉबी आईफा अवार्ड के लिए गए थे, जहां सनी बॉबी और धर्मेंद्र ने मंच पर यमला पगला गाने पर जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी। धर्मेंद्र का डांस देखकर हेमा मालिनी इतनी खुश हुई कि वो कुर्सी पर बैठी बैठी नाचने लगी। पति को चीयर अप करने के लिए वहीं से सीटियां बजाई। उनकी आंखों में आंसू भी आ गए। कहीं ना कहीं हेमा मालिनी भी देओल परिवार से मिलना तो चाहती है, लेकिन न जाने किस डर से वो दूर है।